हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी रसोई घर में। फ्रेंड्स, मुझे अब तक जितने भी मैंने वीडियो शेयर किए आपके साथ, मुझे आपका बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत प्यार मिला है। अपना इसी तरह से सपोर्ट मुझे करते रहिए और मेरे सभी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे कहा था अपनी फर्स्ट रेसिपी पनीर लबाबदान में कि मैं आपको कुलचे बनाने सिखाऊंगी, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुलचा। तो चलिए हम सबसे पहले कुलचे के आटे को गूंथने का आपको रेसिपी बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लगाते हैं कुलचे का आटा। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कटोरी मैदा, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच चीनी। चीनी डालने से मैदे का जो खमन है बहुत ही अच्छा उठता है और इसे हम लोग 4 से 5 घंटा सोक करके रखेंगे। नान का या कुलचा दोनों एक ही आटे से बनता है। कुलचे के आटे को हमें दही से ही छानना पड़ेगा। इसके लिए मैं पूरा दही का यूज़ कर रही हूँ। आटा थोड़ा सॉफ्ट और अच्छे से आप पूरा मिक्स कर लीजिए। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं बहुत ही धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ, इससे आप दही को डालते जाइए और आटे को गूंथते जाइए। इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा पानी का यूज़ भी कर सकते हो अगर आपको लगे तो। वैसे हाँ, अब देखिए ये कुलचे का आटा, मैं इसे दही के साथ कितने अच्छे से गूंथ रही हूँ। आप भी इसे दही के साथ करिए और इसे 4 से 5 घंटे भिगो के रखिए। फिर उसके बाद में देखिए कितने यम्मी और कितने लजीज कुलचे आपके बनते हैं। देखिए अभी आटा मैंने कितना टाइट लगाया है। कुलचे का आटा आप इतना ही टाइट लगाइएगा। देखिए ज़्यादा इसे सॉफ्ट नहीं लगाना है आपको, क्योंकि सॉफ्ट लगाने से जब हम 4-5 घंटे इसे भिगो के रखेंगे तो ये खुद ब खुद थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसे थोड़ा सा रिफाइन ऑयल अपने हाथ से करके इसे अच्छे से करके रख देंगे। नान के आटे को देखिए, तैयार है हमारा कुलचा और नान का आटा। अब हम इसे ढक के 4 से 5 घंटे के लिए रखेंगे। फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा कि कुलचे के आटे को हमें 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखना पड़ता है। अब मैंने कि जैसे इसे भिगो दिया है और इसका खमीर उठ चुका है। मैंने यहाँ पे 2 कटोरी मैदा ली थी, उसमें आपको बताया है सब, आप देखिए। अब उसके लिए हमें ये चाहिए कुलचे का आटा। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 2 से 3 तरह के कुलचे। किसी की फैमिली में कोई ओनियन नहीं खाता, कोई पोटैटो नहीं खाता, किसी के हस्बैंड पनीर नहीं खाते, तो लोगों को शिकायत रहती है कि हम कुलचे कैसे खाएं। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पसंद है तो मैं आज आपको 2 से 3 तरह के कुलचे बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 उबले हुए आलू जिसे मैंने मैश करके रखे हैं, 2 प्याज जिसे मैंने यहाँ पे चॉप किए हैं, 1 कटोरी पनीर जिसे मैंने ग्रेट किया है, और फिर 1 कटोरी पनीर और चॉप किया हुआ पनीर। क्योंकि मैं आपको 2 तरह के कुलचे बताऊंगी, इसीलिए 2 जगह मैंने प्याज और पनीर रखा है। उसके बाद में कटी हुई हरी मिर्ची, कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, गार्निश के लिए सफ़ेद तिल एंड कलौंजी, और नमक एंड घी। तो चलिए फर्स्ट मैं आपको पोटैटो स्टफिंग का तैयारी बताती हूँ। इसके लिए हमें 4 पोटैटो जो कि मैंने मैश करके रखे हैं, 2 चॉप किए हुए प्याज, 1 कटोरी ग्रेट किया हुआ पनीर। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अगर किसी के फैमिली में कोई भी बड़े बुजुर्ग फैमिली में प्याज नहीं खाते तो आप प्याज को अवॉइड कर सकते हो। धनिया पत्ती, लाल मिर्च पाउडर, अगर किसी को लाल मिर्च पाउडर भी नहीं पसंद है तो वो भी अवॉइड कर सकते हो। कटी हुई हरी मिर्ची थोड़ी सी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप हरी मिर्ची और लाल मिर्ची थोड़ी कम मात्रा में डालिए। खड़ा गरम मसाला पीसा हुआ थोड़ा सा, उसके बाद में हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आलू, पनीर, ऑनियन, हरी धनिया पत्ती, कटिंग की हुई मिर्ची, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला से मैंने ये स्टफिंग एक कुलचे के लिए तैयार की है। अगर आप उसे और ज़्यादा, आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आपको लगता है कि हमें कुलचे में कलर चाहिए, तो आप इसमें फूडिंग कलर का यूज कर सकते हो, येलो या रेड वाला, जो भी फूडिंग कलर। मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया है कुलचे की स्टफिंग के लिए, सिर्फ आलू वाला ही बनाया है। चलिए अब दूसरी स्टफिंग के लिए, इसके लिए हम लेंगे पनीर, चॉप किए हुए प्याज,
अगर किसी के घर में प्याज नहीं खाते हैं तो आप सिर्फ पनीर भी ले सकते हो और उसमें धनिया पत्ती, हरी मिर्ची कटिंग की हुई और लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला थोड़ा सा, अगर आप गरम मसाला नहीं खाना चाहते तो उसे भी अवॉइड कर सकते हो। ये मैंने आपको यहाँ पे दो तरह की स्टफिंग आज बताई है पनीर कुलचे के लिए। इसे आप कुलचे के आटे में जब स्टफ़ करके बनाओगे तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगेगी। कुलचे में अगर आपको लगता है कि कुलचा मैदे का है, बहुत हैवी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैंने कुलचे के पूरे आटे को दही से मैश किया था, दही में बहुत सारा कैल्शियम होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने आज कुलचे के लिए दो तरह की स्टफिंग आज आपके लिए तैयार की है, एक आलू पनीर वाली और एक प्याज और पनीर वाली। अगर किसी के घर में कोई प्याज नहीं खाता है तो आप प्याज को अवॉइड कर सकते हो। चलिए अब इसके लिए हम मैदे को छोटी छोटी लोइया बनाएंगे, जितने बड़े आपको अगर पसंद हो, जैसा भी स्टफिंग करना चाहे छोटे बड़े आप कर सकते हो। इसको हम हल्के हाथों से बेलेंगे। देखिए तवे को गरम, नॉनस्टिक तवा को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, वो गरम हो रहा है। तब तक मैं यहाँ पे स्टफिंग करके आपको बताती हूँ। स्टफिंग बहुत इजीली हो जाती है। बहुत सी लेडीज़ की ये शिकायत रहती है कि हम स्टफिंग करते हैं तो हमारा स्टफिंग बाहर निकल आता है, ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप धीरे धीरे उसको स्टफ़ करोगे तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले मैं इसमें पनीर और प्याज वाली जो थी आपके सामने उसको स्टफ़ कर रही हूँ। इसको आप ऐसे स्टफ़ करके रख दीजिए। उसके बाद में मैं यहाँ पे पोटैटो वाला जो स्टफिंग है, कुलचा स्टफिंग, वो आपको भर के दिखाती हूँ। हल्के हल्के हाथों से आप कुलचा बनाइए, बहुत यम्मी लगता है। इसको आप किसी भी साथ, अगर जिसको ऑयल या घी से प्रॉब्लम है वो इसमें बिना यूज़ किए सेक सकता है। वैसे मैं आपको बिना ऑयल का ही कुलचा आज बना के दिखा रही हूँ, ऊपर से आप इसमें बटर या घी जैसा आपको पसंद हो खा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से बेलते हैं। ये आलू और प्याज और पनीर का कुलचा है। कुलचे की रेसिपी मैं आज आपको जो बता रही हूँ, मेरे कुलचे में ख़ास बात एक ये है कि कुलचा मैं तवे पे बना रही हूँ। ज़्यादातर लोग कुलचे को ओवन में बनाते हैं जो कि हमें कम स्वाद लगता है। ये जो कुलचा है, जिसके घर में ओवन नहीं है वो भी आसानी से बना सकता है और कभी भी किसी भी वक्त हम बना के इसको खा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुलचा बनाया है, अब इस पर हम थोड़े से तिल और कलौंजी, जो कि मैं गार्निश के लिए कर रही हूँ, बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप इसको खाओगे तो ये हेल्दी भी रहते हैं, टेस्टी भी रहते हैं और देखने में सुंदर भी लगते हैं। अब इसे हम नॉनस्टिक तवा, जो कि मैंने यहाँ पे गरम करके पहले से रखा हुआ है, इसे आप गरम कर लें। हमारा ये पोटैटो वाला कुलचा बन रहा है, तब तक मैं आपको ये सिकाई हो रहा है धीरे धीरे, तब तक मैं आपको ये प्याज वाला कुलचा जो कि हमने स्टफ़ किया था उसे भी हम बेल के रेडी रखते हैं। बहुत ही जल्दी एक डिश में दो डिश तैयार होती है। आपके हस्बैंड के फ्रेंड आए, आपकी किट्टी पार्टी हो, आपके बच्चों का बर्थडे हो, जो भी हो, आप इसे आसानी से घर पे तैयार कर सकती है। पनीर की सब्ज़ी के साथ, आलू दम की सब्ज़ी के साथ, आपको जिसके साथ इसे पसंद हो आप खा सकते हो। देखिए फ्रेंड, ये वाला कुलचा हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे मैं ना इसमें ऑयल का यूज करूँगी ना घी का यूज करूँगी, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे फ्रेंड हैं जो कि ऑयल नहीं खाना चाहते, घी नहीं खाना चाहते, बटर नहीं खाना चाहते। वो मुझे बोलते हैं बिना ऑयल की या बिना घी की कोई मुझे डिश बताओ ना। तो ये जो लोग ऑयल या घी नहीं खाते वो ऐसे कुलचे को करारा करारा नॉनस्टिक तवे पे आप घुमा घुमा के रोटी कपड़े से सेकते रहिए और इसे ऐसे खाइए। जिन्हें बटर पसंद है वो बटर के साथ खाइए। मैं लास्ट में आपको बटर कुलचा लगा के बताऊंगी। देखिए फ्रेंड, इसे हमें 2 से 3 मिनट तक ऐसे हल्के हल्के नॉनस्टिक तवे पे ही सेकाई करना है। उससे क्या है, ये बहुत अच्छा सिकाई भी होता है और खाने में भी यम्मी लगता है। जो लोग बटर बिना बटर के खाएंगे उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर हम इसे 1 मिनट के लिए थोड़ा सा गैस बर्नर पे भी सेक सकते हैं और हल्का हल्का हम इसे घुमाते हुए सेकेंगे। जितनी अच्छे आप इसे सेकोगे आपका कुलचा आपको उतना ही अच्छा लगेगा, ताकि कोई गेस्ट ये नहीं बोले कि कुलचा कच्चा है, क्योंकि हमने यहाँ पे तवा कुलचा बनाया है ना कि ओवन में कुलचा ट्राई किया है।
देखिए फ्रेंड, हमारा आलू वाला कुलचा सीख गया है। अब हम अपना जो प्याज वाला कुलचा है उसे भी सेकने के लिए लगाते हैं। तब तक हम इस कुलचे में, अगर आपको आपके बच्चों को खिलाना है तो आप इसमें घी ज़रूर लगाइए, क्योंकि घी से हड्डियाँ मजबूत होती है, जो हमारे बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी रहते हैं। बड़े बुजुर्ग और जो आज की जो भागम दौड़ बड़ी ज़िंदगी है उसमें हमें घी ये सब खाने को डॉक्टर मना करते हैं, बट बच्चों को आप घी बटर दे सकते हो। देखिए जैसे कि आप हमारा ऑनियन वाला कुलचा भी सिक रहा है, ऑनियन वाला कुलचा हमारा धीरे धीरे सिक रहा है। हम इसे भी कपड़े से घुमाते हुए धीरे धीरे सेकेंगे। देखिए फ्रेंड, मैं कितने धीरे धीरे इसे सॉफ्टली सेक रही हूँ। इसे देखिए, ये ब्राउन हो गया है, गोल्डन ब्राउन। इसे आप अच्छे से अपने हाथों से घुमाते हुए हल्के हल्के सेकते रहिए। गैस बर्नर को आप तेज रख सकते हो। अब मैं देखिए इसे थोड़ा सा गैस पर भी सेक लेती हूँ। जो लोग घी नहीं खाए वो बिना घी के इस ऑनियन वाले कुलचे को भी ट्राई करेंगे, उन्हें बहुत टेस्टी लगेगा। जो जिन लोगों के घर में प्याज का यूज़ नहीं होता है वो आप प्याज को अवॉइड कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको बार बार अपने वीडियो में बोल रही हूँ। देखिए फ्रेंड, इसमें भी मैं घी का यूज करूँगी, क्योंकि ये कुलचे मेरे बच्चे खाने वाले हैं और घी मेरे बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है, जिससे उनकी हड्डियाँ मजबूत होगी और इसी बहाने बच्चों के शरीर में घी भी जाएगा। आजकल सब बोलते हैं घी नहीं खाना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले के ज़माने के बुजुर्ग लोग कितना घी खाते थे, कोई भी उनको बीमारी नहीं होती थी। और आजकल जो नहीं खाते उनको देखिए तरह तरह की बीमारियाँ हैं। देखिए फ्रेंड, मेरे प्याज के और आलू के कुलचे तैयार है। इस पे मैंने धनिया पत्ती से गार्निश किया है ताकि बच्चों को देखने में सुंदर लगे और बच्चे फटाफट खा लें। तो अब मैं तो जा रही हूँ इन्हें खाने, और आप भी अपने घर में फटफट बनाइए और मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे कुलचे खा के बोलिए वाह वाह, कुलचे हो तो ऐसे।